नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग के माध्यम से कांग्रेस पर हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के विचारों के विपरीत काम किया। महात्मा गांधी आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने के पक्षधर थे। उनकी सरकार महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने समाज का बंटवारा किया, जाति और धर्म की राजनीति की, गरीबों का पैसा हड़प कर कांग्रेसी नेताओं ने अपने बैंक भरे। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति में परिवारवाद को जन्म दिया। कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान किया, राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 का कई बार गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने देश को एमरजेंसी दी। कांग्रेस के नेता हमेशा कम्युनल एडजस्टमेंट करते रहे।